हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑडिसी टेक्नोलॉजीज में। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सेल की छोटी बेसिक एंड एडवांस बोले जाने वाली ट्रिक्स, ठीक है। वो ट्रिक्स कौन सी होंगी तो पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें तीन ट्रिक्स आपको बताऊँगा आज, ठीक है, जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता है। जैसे कि पहली ट्रिक का नाम है हाउ टू रिमूव पेज ब्रेक्स। ये जो पेज ब्रेक्स का इशू है कब आता है, लेट सपोज आप ऑफिस में प्रिंट निकाल रहे हैं, अपने घर पे प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकालने के बाद आप नोटिस करते होंगे कि पेज के अंदर कुछ ब्रेक्स बन जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला तो वो आपको बताऊंगा। सेकेंड जो है हाउ टू लॉक स्क्रोलिंग इन एक्सेल। आपकी जो शीट है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर डेटा पड़ा हुआ है तो आप उसको लॉक कैसे कर सकते हैं ताकि जो स्क्रोलिंग हो उसी के अंदर अंदर हो, बाहर ना हो, ठीक है। जो थर्ड वन है हाउ टू हाइड एन एंटायर एक्सेल शीट। शीट को कैसे हाइड करते हैं, ठीक है, तो वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मेरा इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। YouTube के ऊपर आप देखेंगे चैनल का नाम और इसी टेक्नोलॉजीज, और ये है सब्सक्राइब बटन, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको आप लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, मुझे लेट सपोज इस पूरे पेज का प्रिंट निकालना है। तो मैं करता हूँ कंट्रोल पी को प्रेस प्रिंट लेने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट की कमांड दे दी और मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा प्रिंट निकल गया, ठीक है। फिलहाल मेरे लैपटॉप के ऊपर जो है इंस्टॉल नहीं है प्रिंटर, तो प्रिंटर अभी निकला नहीं है, बट वो क्यू में आ गया। तो जब मैं प्रिंटर इंस्टॉल कर लूँगा तब वो निकलेगा। तो देखिए, प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे ये पेज ब्रेक बना आ गया, आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे। इसको स्क्रॉल करके देखेंगे चारों तरफ ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए पूरे पेज के ब्रेक्स बने हुए, लाइन्स आ गई हैं। अब इसको रिमूव कैसे किया जाए, तो गाइस इसको कैसे रिमूव किया जाएगा वो मैं आपको आज बताऊंगा। जिस भी शीट के अंदर आप काम कर रहे हैं इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप प्रेस करेंगे इसके ऊपर, क्लिक करेंगे व्यू कोड। अगर व्यू कोड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे नीचे आ जाइए। ये जो आपको एक्सेल जी आपको शीट दिखाई दे रही है ब्लैंक शीट, इसके ऊपर F4 प्रेस कर देंगे तो आपको विंडो आ जाएगी जिसमें हमें काम करना है। या फिर अगर आपका विंडोज़ अपडेटेड है, 10 विंडोज 10 है, तो देखिए आपको लेफ्ट पे बॉटम में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक छोटी सी जो स्क्रॉल एरिया, स्टैंडर्ड विड्थ और विजिबल। सबसे टॉप पे आप आगे देखेंगे यहाँ पे नेम है, नेम के सामने शीट नंबर 10 है जो कि हमारी ये शीट है। डिस्प्ले पेज ब्रेक्स, ये जो पेज ब्रेक डिस्प्ले है वो कह रहा है ट्रू। इसको अगर आप आगे फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे, तो ये इसको कैंसिल कर दीजिए। फॉल्स करने के बाद मैंने कैंसिल कर दिया, देखिए पेज ब्रेक्स गायब हो गए। आई थिंक इट वॉज वेरी इजी टू लर्न गाइज, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो सेकेंड हमारी जो ट्रिक है हाउ टू लॉक स्क्रोलिंग इन एक्सेल शीट। अब मुझे ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर जो है वो बाहर की स्क्रॉलिंग लॉक हो जाए, यानी कि बाहर जो शीट पड़ी हुई है इसके ऊपर काम ही ना हो पाए, यानी कि ये जो शीट है इसके अंदर काम हो, यानी कि इस पूरी शीट के अंदर मेरा जो ये जो रेंज है ये पूरी की पूरी लॉक हो जाए, ठीक है, ताकि इसी में काम हो सके, सिर्फ कॉपी पेस्ट जो भी करना आप इसमें कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मेरा इसका E5, इस सेल का नाम कौन सा, E5, और सबसे लास्ट वाली आप देखेंगे कौन सी है, J10। यानी E5 से लेके J10 तक की जितनी भी सेल्स हैं उन सब के अंदर मैं एक रेंज दूंगा यहाँ पे, ताकि ये लॉक हो जाएंगी, ताकि इसके बाहर जो है कुछ काम ना हो सके, सिर्फ इसी में काम हो, तो लॉक हो जाएगा पूरा ये। तो कौन सी है गाइस, इसको याद रखना पड़ेगा हमें, ये है E5 और J10, E5 J10। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ वहाँ पे आके व्यू कोड E5 J10। अब आप यहाँ पे आके देखेंगे स्क्रॉल एरिया, स्क्रॉल एरिया के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे E5:J10, यही था, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। तो आप ध्यान यहाँ पे देखेंगे, मैं इसके जो बाहर है वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी, तो कोई भी की काम नहीं कर रही है। अगर मैं कीबोर्ड से करता हूँ तो भी कुछ काम नहीं कर रहा, ऊपर तो दिख रहा है बट कुछ काम नहीं हो रहा, यानी कि स्क्रोलिंग नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे स्क्रोलिंग हो सकती है, देखिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, पर बाहर कुछ नहीं होगा इसके, यानी कि इस पूरी शीट के अंदर ये लॉक हो चुकी है। तो गाइस ये तो था सेकंड पॉइंट, आई थिंक इट वाज इजी अगेन। तो थर्ड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ टू हाइड एन एंटायर एक्सेल शीट। आप शीट को या अपने डेटा को कैसे हाइड करेंगे, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये डेटा मुझे जो है हाइड करना है, ठीक है। ये तो अभी फिलहाल तो मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो लॉक करने के बाद मेरे को लेट सपोज दूसरी कोई मेरी शीट है, इसको तो मैंने लॉक कर रखा है यहाँ पे, तो पहले मुझे इसका लॉक हटाना पड़ेगा। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आऊँगा, व्यू कोड पे जाऊँगा और जो इसकी रेंज है जहाँ पे मैंने रेंज दे रखी है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर दिया। तो देखिए अब फिर से वही हो गया। अब मुझे इस पूरी शीट को जो है क्या करना है, हाइड करना है शीट को, डेटा को, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा
और हाइड पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइज ये हो गई हाइड, बट इसको हाइड करना इतना मतलब कि इजी था तो इसे कोई भी अनहाइड कर सकता है। यहाँ पे आके आप इसको अनहाइड कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे, देखिए शीट नंबर 3, 5 जितनी ये काफ़ी सारी शीट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी हाइड की हुई हैं, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ आके, ठीक है। तो शीट नंबर 3 आ गई। अब हमारी शीट कौन सी जिस पर हम काम कर रहे थे, अनहाइड करता हूँ हमारी शीट नंबर 9 शायद, तो ये देखिए हमारी शीट 9 थी, तो ये वापस आ गई फिर से। तो ये तो एक तरीका था इसको हाइड करने का और उसको अनहाइड करने का। अब इसका दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे कि मैं इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके जो टेक्स्ट है उसका कलर मैं वाइट कर दूँ यहाँ पे आके, तो देखिए डेटा गायब हो गया फिर से आपका। इसको मैं हटा दूंगा, जो मैंने यहाँ पे ये इसको लॉक कर दिया, मतलब कि जो मैंने टेबल का एक वो दे रखा है इसको हटा दूंगा तो डेटा को पता नहीं चलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे आके इसका फिर से कलर चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज मैं फिर से इसको ब्लैक कर देता हूँ, रेड कर दूंगा, तो ये आपको डेटा पता लग जाएगा। तो ये तो इसका सेकेंड तरीका कि आप डेटा को कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर इसको हाइड कर सकते हैं। अब जो थर्ड इसका तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल लोगों को पता नहीं है, तो मैं जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता ये वीडियो उसके लिए बनाया। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं किस पे जाऊँगा, फॉर्मेट सेल्स पे, फॉर्मेट सेल्स पे मैंने क्लिक कर दिया एंड आई विल क्लिक कस्टम, ठीक है। कस्टम पे आने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा 3 बार, देखिए 1, 2, 3। इस सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, यानी कि मुझे हाइड करना है यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने ओके कर दिया। देखिए ओके करने के बाद डेटा जो है सारा गायब हो गया। अब आप कलर चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो डेटा आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको डेटा को फिर से अनहाइड करना है तो आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा हो कस्टम का, इस पर आएंगे सीधा जनरल पे क्लिक करेंगे और देखिए डेटा सामने आ गया, ठीक है ना गाइज। तो गाइज ये तो था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लोग बेसिक पॉइंट्स इनको बोलते हैं, बट ये कभी कभी एडवांस से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारे लिए जब हमें नहीं पता होता है। तो गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए इसके ऊपर, और अगर आपको कोई डाउट है क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें रिवर्ट जरूर करूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।